सीरियल नत कृष्णा और गौरी की कहानी में कृष्णा सुलाती है शिव को और वह बोलता है लोरी सुनाओ, चाबी गिर जाती है। यहाँ पर कृष्णा सुला रही है तो शिव चला जाता है उसी के पास, कहता है गौरी तो मुझे कुछ नहीं सुनाती। तभी बुआ जी की बहू आती है, उसे चाबी मिल जाती है जो गिरती है गौरी के हाथ से। और फिर यहाँ पर देखता है वह कि सुला रही है गोपिका को कृष्णा, तो चला जाता है। घर पर आकर देखती है तो नहीं मिलती है उसे और वह चला जाता है। कहता है कृष्णा मुझे भी सुला दो, तो लड़ने लगते हैं दोनों। वह बोलती है नहीं, दोनों भाई बहन की तरह रहना, प्रॉमिस करो लड़ाई कभी नहीं करना, दोनों एक दूसरे का साथ देना। तो कहते हैं ठीक है। फिर वह उन्हें लोरी सुनाने लगती है और सुनाते सुनाते दोनों सो जाते हैं। तभी आ जाती है वहाँ पर गौरी और उठाने लगती है तो हाथ पकड़ लेती है कृष्णा, बोलती है उठ जाए तो ले जाना। यहाँ पर बुआ जी और उनकी माँ और बहू तीनों चोरी करने के लिए तैयार है। तभी उसे आवाज़ आती है किसी की, कहाँ खटपट आवाज़ हो रही है। यहाँ सुकांत कहता है मैं कैसे बचूंगा, उस गौरी थी उस मुखौटे के पहले, मैं जाना नहीं था। और वह बोलती है रुको मैं देखती हूँ जाकर, उन्हें सुलाकर वहाँ से चली जाती है। और सुकांत निकल आता है बाहर, इधर चोरी करता है बुआ जी का बेटा, सारा माल भरता है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी कृष्णा दिखती है उन्हें तो छुप जाते हैं। और कृष्णा सोचती है देख कर आऊँ मैं कि कौन कहाँ है, काय की आवाज़ है। कमरे में जाते हैं तो उन्हें सारे लोग सोए मिलते हैं। वह जीत के कमरे में जाती है, उसे धक्का सा लगता है देखकर। फिर दादी के कमरे में जाती है, बच्चों के कमरे में वापस आती है तो उन्हें नहीं दिखते बच्चे। चिल्लाती है, बोलती है परेशान ना करो। यहाँ हॉल में आती है, दादी के कमरे में दादी नहीं मिलती। फिर फ़ोन लगाता है सुकांत, जिसमें कहता है कि परेशान मत हो मेरे पास हैं तुम्हारे घर के सारे लोग। वह बोलती है कौन हो तुम, क्यों ऐसा कर रहे हो। सबकी तस्वीरें दिखाती है और सारे लोगों को उसने अलग अलग कमरों में रखा है, किसी को पानी में डुबाया है, किसी को करंट फैलाया है, किसी के पास मधुमक्खी रखी हैं। गौरी बहुत परेशान है, चिल्लाती है, कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, ये पानी भर जाएगा और गैस भर जाएगी तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। वह महादेव से प्रार्थना करती है कि ठीक करो।